सुधारने के लिए, महिलाओं को प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए 50% आरक्षण देकर आज हम यहाँ पर आए हैं। माननीय, जहाँ तक ढेर सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें की हैं, माननीय, मैं आज यहाँ कुछ चीजों का जवाब भी जरूर देना चाहूंगा। मैं इससे पहले स्पष्ट कर देता हूं, कोई ये जवाब को अपने दिल से न लगा ले, मैं किसी भी दल के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। बहुत मौके आएंगे जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी, दमखम के साथ देंगे, डट कर देंगे, परंतु एक ऐसा मौका है जिसमें ये सदन ने समग्र देश को, समग्र देश को ही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से समग्र विश्व को ये संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी ने जिसकी कल्पना करी, ये वुमन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एक मत। मान्यवर, मगर कुछ चीजें यहाँ कही गई है, इसलिए मेरा बहुत जरूरी है कि इसकी स्पष्टता कर दी जाए। मान्यवर, ये जो प्रयास है, ये वो पांचवा प्रयास है। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है, तो क्या हुआ वो चार संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में दो बार अटल जी ने, चार बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मनसा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही न पाए? मान्यवर, मैं जरूर बताना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले इस संविधान संशोधन विधेयक 81वें संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 में आया, देवगौड़ा जी लाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, इसका पूरा यश कांग्रेस पार्टी में के अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिए, आप भी वोट दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, अपने आप आपको वोट मिल जाएगा। परंतु मैं जो स्थिति है, जो सच्चाई है, वो देश की करोड़ों माताओं बहनों को बताना चाहता हूं। ये विधेयक को सबसे बार पहली बार लेकर आए HD देवगौड़ा, प्रधानमंत्री जी थे तब ये सरकार लेकर आई। मान्यवर, उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठा करती थी, देवगौड़ा जी की नहीं, और उनके ही कारण गिर गई थी, सरकार में नहीं थे, सरकार में नहीं थे। अरे बैठो यार। मान्यवर, विधेयक सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया, और संयुक्त समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु दुर्भाग्य से विधेयक कभी सदन तक पहुंच नहीं पाया, आया ही नहीं। क्या हुआ मालूम नहीं। और जब 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद 107 के तहत इस विधेयक को लैप्स माना गया और विधेयक वही चला गया। मान्यवर, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने 14 दिसंबर 1998 में, 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया, और ये विधेयक 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि इसको पेश ही नहीं करने दिया। कुछ दृश्य हुए थे इस सदन में, मैं बोलना नहीं चाहता, अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिए। नहीं, वो ठीक है भैया, नहीं अभी भी कर रहे हो ना, आप अभी भी कर रहे हो। मान्यवर, और 12वीं लोकसभा के साथ अनुच्छेद 107 के तहत वो विलोपित हो गया भी। फिर 13वीं लोकसभा में अटल जी ही प्रधानमंत्री थे, और हम फिर से बिल लेकर आए, और उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। अब किसने नहीं की, किसने नहीं की, इसमें मैं जाना नहीं चाहता,
क्योंकि आज मैं किसी को दोषारोपण करने के लिए नहीं आया हूं, मगर इस संसद ने, इस सम्माननीय गृह ने कभी न देखे हो इस प्रकार के कुदृश्य 13वीं लोकसभा में देखे, जो पुराने अनुभवी